हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, क्राइम ऑफ अडल्ट्री क्या है ये देखते हैं। व्हाट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड एंड व्हाई, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है और क्यों, चलिए देखते हैं। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन होम अफेयर्स हैज सजेस्टेड दैट अडल्ट्री शुड बी री इंस्टीट्यूटेड एज अ क्राइम इन भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। दी प्रपोज लॉ टू रिप्लेस इंडियन पिनल कोड IPC 1860। तो ये आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, आईपीसी टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। ये आपका 1860 का लॉ है और ये बन रहा है आपका 2023 में। क्या इसकी जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी भाई। अब 1860 के लॉ आज थोड़ी चलेंगे, नए नए क्राइम्स भी तो आ गए हैं। व्हाट इज द लीगल पोजिशन ऑन अडल्ट्री नाउ? अंटिल 2018 द आईपीसी कंटेन सेक्शन 497 व्हिच डिफाइन अडल्ट्री एज अ क्रिमिनल ऑफेंस दैट attracted up to 5 years in prison or a fine or both. However, only men could be punished under section 497, not women. वाह, किधर गई इक्वालिटी तुम लोगों की। The section read, whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or convenience of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape is guilty of the offence of adultery. In such cases the wife shall not be punishable as an abettor. वाह, ताली एक हाथ से बजती है, दोनों हाथ से बजती है, पता नहीं भाई क्या ही इक्वालिटी दे रहे हैं। इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सितंबर 27 2018 अ फाइव जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा एंड कंप्राइजिंग करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस AM खानविलकर RF इतना ठीक है, इन्होंने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 497 को ऑन ग्राउंड्स दैट इंक्लूडेड डिस्क्रिमिनेशन। वाह, थैंक गॉड। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो अपने अभी के करंट चीफ जस्टिस है ना DY चंद्रचूड़, मतलब ये एक ऐसे ऑफिशियल है देश के जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझको इनके सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं सही लगते हैं। मैं पर्सनल बेसिस पर, वैसे तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये जो भी डिसीजन दे रहे हैं वो हमें मानना है, पर एक होता है ना ये कहीं ना कहीं मेरे थॉट से अलाइन करते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। व्हाट हैज द हाउस पैनल रिकमेंडेड? क्या हाउस पैनल रिकमेंड किया था? अ 350 पेज रिपोर्ट ऑन द BNS 2023 व्हिच वाज अडॉप्टेड बाय द कमिटी ऑन नवंबर 10 said that the adultery should be reinstated as a criminal offense but it should be made gender neutral. Thank you, equality law. This is both men and women should be punished for it. The committee expressed that the view that the institution of marriage is considered sacred in Indian society and there is need to safeguard its sanctity. हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तो ऐसा हिसाब नहीं है कि हम डाइवोर्स लेते हैं, ये हमारा कल्चर ही नहीं है डाइवोर्स वाला, हम तो भाई इसको बिल्कुल 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, तो उसको बचा के रखना भी हमारा ही काम होना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? क्या प्रॉब्लम है? द डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ सेक्शन 497 एंड इट्स मैनिफेस्ट आर्बिट्रीनेस इन पनिशिंग ओनली मेन फॉर अडल्ट्री वॉज जस्ट वन ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द कोर्ट हैज स्टक डाउन द प्रोविजन। द जजमेंट वेंट मच फर्दर। सेक्शन 497 वॉज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15, 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली। तो 14 आपका ये हो गया, आपका किधर गया देखिए, 20 तो आपका लाइफ वाला हो गया, 15 आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, 14 आपका इक्वालिटी हो गया, ठीक है। द कोर्ट अंडरलाइन द ऑटोनॉमी वुमेन एज अ facet of human dignity. Writing for himself and Justice Khanwilkar, CJI Mishra, उस समय के ये चीफ जस्टिस है, declared that the husband is neither master of his wife nor does he have any legal sovereignty over her. हाँ बिल्कुल सही बात है, husband कोई master थोड़ी है, legal master अपने wife का, and that any system treating a woman with इनडिग्निटी इनवाइट्स रेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। ऑल्सो द CJI सेड इफ अडल्ट्री इज ट्रीटेड एज अ क्राइम देर वुड बी इमेंस इंट्रूजन इन टू अ एक्सट्रीम प्राइवेसी ऑफ द मैट्रीमोनियल स्पीयर, इट इज बेटर टू बी लेफ्ट एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। जस्टिस चंद्रचूड़ हु डिसएग्रीड विद द जजमेंट
of his father, former CGI Y.V. Chandrachud, in 1985, ruling in Soumitri, ये जो भी केस का नाम है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच अपहेल्ड अडल्ट्री एज अ क्राइम, डिस्क्राइब सेक्शन 497 एज अ रिलिक ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी दैट प्रोसीड्स ऑन द नोशन दैट वुमेन इज बट अ शैटल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बैंड. हाँ, ऐसा तो नहीं है यार, कोई औरत किसी आदमी की प्रॉपर्टी थोड़ी हो सकती है. बिल्कुल गलत बात है ये तो, मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हो जाता है. कैन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बी अंडन. अब देखो यहाँ पे फिर से मैं जस्टिस चंद्रचूड़ के फेवर में ही हूँ कि उनकी सोच, मतलब, और आप देखो उन्होंने अपने पिताजी की बात को वो किया है, काटा है. और एक होता है घर में हम बोल दें नहीं पापा आप गलत बोल रहे हो, और इन्होंने मतलब एक कंट्री लेवल पे इनको लग रहा है जो चीज़ सही, टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, तो इन्होंने किया है. तो अच्छा लगा ये देख करके, इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी लगती है मुझको. रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अ लॉ ऑफ लैंड, पार्लियामेंट कैन नॉट सिंपली पास अ लॉ दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स एज अ रूलिंग ऑफ टॉप कोर्ट. हाउएवर इट कैन पास अ लॉ दैट रिमूव्स द बेसिस ऑफ कोर्ट्स जजमेंट. ठीक है, सच अ लॉ कैन बी बोथ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव. रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाके उसको, जैसे मैं बोल दूँ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना चोरी है, कब से, आपकी 1 जनवरी 2023 से. और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होगा ना, इसके पहले भी जो वीडियो बना रहा होगा उसको भी चोरी बोल दिया जाएगा, और इसके बाद वालों को तो बोला ही जाएगा. तो ठीक है, ये चीज़ था. इन मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, द सुप्रीम कोर्ट सेड द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडेशन ऑफ वैलिडेटिंग लेजिस्लेशन इन द जजमेंट पॉइंटिंग आउट द डिफेक्ट वुड नॉट हैव बीन पास्ड इफ द अल्टर्ड पोजीशन एज सॉट टू बी बॉट इन बाय द वैलिडेशन स्टैट्यू एग्जिस्टेड बिफोर द कोर्ट एट द टाइम ऑफ rendering its judgment. In other words, the deficit pointed out should have been cured, such as the basis of judgment pointing out the defect is removed. तो आप देखिए इसमें, अब हम लोग देखते हैं important. वैसे तो important तो पूरा article ही है, फिर भी चलिए देखते हैं क्या है इसके short में. तो सबसे पहले ये IPC में आपके 1860 का लॉ है, ये पता होना चाहिए कब का है. तो ये प्री कॉलोनियल, ठीक है. और प्री कॉलोनियल क्या है, इसको कॉलोनियल लॉ बोला जाता है. तो हम आज भी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम तो 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो ये यूज़ करने का कोई तुक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, चलो थैंक गॉड अब ये चेंज हो रहा है. किससे चेंज किया जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता. ये कौन से ईयर में आ रहा है, 2023 में, ठीक है. हम बात किसकी कर रहे हैं, अडल्ट्री की, ठीक है. क्या पहले आईपीसी में ये क्राइम था, हाँ था. कौन से उसमें, इसका सेक्शन था आपका 497, ठीक है. इसमें क्या था, जेंडर वाइज था. क्यों, क्योंकि सिर्फ मेल, यानी कि हस्बैंड को ही इसमें सजा मिलती थी, पनिश किया जाता था, ठीक है. वुमेन, इनको इक्वलिटी नहीं मिलती थी बेचारियों को, इसलिए वाइफ को छोड़ दिया जाता था, इनको सजा नहीं दिया जाता था, नो पनिशमेंट, ठीक है. तो अब इक्वलिटी तो हम लोग बोल रहे हैं चाहिए, तो इक्वलिटी देने के लिए इसको क्या किया गया, 2018 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया. बोला नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है, वुमेन्स को इक्वलिटी नहीं दी जा रही है, तो हमें तो भाई इक्वलिटी चाहिए, इसलिए ये चीज़ गलत हो रही है, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया. उस समय कौन थे, सीआई मिश्रा थे, ठीक है. और उसमें 5 जज बेंच थे, उसमें आपके प्रेजेंट सीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, ठीक है. साफ ये चीज़ स्ट्रक डाउन हो गई है. और डीवाई चंद्रचूड़ ने, आप देखिए, अपने फादर की भी उस चीज़ को किया है ख़त्म, कि वुमेन को एज ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, नॉट अ लीगल प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड. इनको नहीं मानना चाहिए वुमेन को, उनका अपना रोल है, उनकी अपनी लाइफ है, उनको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा सकता. तो ये चीज़ बहुत सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी. तो बस इस आर्टिकल में इतनी कुछ चीज़ें थी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये हमें देखना है. और क्या अभी ड्राफ्ट होगा, क्या जैसे आएगा मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट ला कर दे दूँगा.
सो थैंक यू गाइज, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।